हेलो एवरीवन, तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। सो नाउ यू आर ऑलरेडी फैमिलियर विद द डिफरेंट टर्म्स रिलेटेड टू मोशन सिंस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड देम इन आवर प्रीवियस वीडियोस, और अब हम इन्हें रिप्रेजेंट करने वाले हैं ग्राफ पर। तो ग्राफ जो होता है वो बहुत ही प्रैक्टिकल और आसान तरीका होता है किसी भी इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट करने का। तो मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए हम यूज़ करने वाले हैं लाइन ग्राफ्स, और ये ग्राफ हमें ये शो करेंगे कि एक फिजिकल क्वांटिटी दूसरे फिजिकल क्वांटिटी पर कैसे डिपेंड करती है। तो चलिए देखते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ्स के बारे में। तो देखिए, यहाँ आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि जिन दो फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में हम ग्राफ को प्लॉट करेंगे वो है डिस्टेंस और टाइम। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ में हम एक्स एक्सिस पर प्लॉट करेंगे टाइम को और वाई एक्सिस पर प्लॉट करेंगे डिस्टेंस को। तो देखिए, डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमें बताता है कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन टाइम के साथ कैसे चेंज हो रही है, क्योंकि कोई भी ऑब्जेक्ट जब मोशन में है तो पहले वो कहीं और होगा, थोड़ी देर बाद उसकी पोजीशन कहीं और होगी, और थोड़ी देर बाद उसकी पोजीशन कुछ और हो जाएगी। तो यहाँ लाइन ग्राफ के थ्रू वी आर गोइंग टू रिप्रेजेंट द चेंज इन पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट विद टाइम। लेकिन क्योंकि हमें पता है कि मोशन यूनिफॉर्म भी हो सकती है और नॉन यूनिफॉर्म भी हो सकती है, तो हम यहाँ डिस्टेंस टाइम के दो ग्राफ्स प्लॉट करेंगे। एक अगर ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में मूव कर रहा है, और दूसरा अगर ऑब्जेक्ट नॉन यूनिफॉर्म मोशन में मूव कर रहा है। तो चलिए सबसे पहले हम यूनिफॉर्म मोशन के ग्राफ को ड्रॉ करते हैं। तो देखिए, यहाँ डिस्टेंस टाइम ग्राफ शो किया गया है जब आपका ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में है। इस ग्राफ को कैसे प्लॉट करना है, लेट्स अंडरस्टैंड दिस विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। तो देखिए, यहाँ मैंने कुछ वैल्यूज ली हैं। जब मेरा ऑब्जेक्ट मोशन में था तो उसने 10 मिनट्स में 5 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया। उसके बाद 20 मिनट्स बाद जब चेक किया तो उसने 10 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर लिया था। 30 मिनट्स बाद 15 किलोमीटर्स कवर कर लिया था, और 40 मिनट्स बाद 20 किलोमीटर्स कवर किया था। दैट मीन्स मेरे ऑब्जेक्ट ने हर 10 मिनट्स में 5 किलोमीटर्स डिस्टेंस कवर किया। दैट मीन्स दिस इज एन एग्जांपल ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। तो जब आप इन वैल्यूज को डिस्टेंस टाइम ग्राफ पर प्लॉट करेंगे तो आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी, और ऐसा सिर्फ इस केस में नहीं, हर यूनिफॉर्म मोशन के केस में होता है। मीन्स यूनिफॉर्म मोशन के केस में यू विल गेट अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ। व्हाई? बिकॉज हमें पता है यूनिफॉर्म मोशन में जो आपका ऑब्जेक्ट है वो इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करता है इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। दैट मीन्स जो आपका डिस्टेंस और टाइम का रेशो है वो कॉन्स्टेंट रहेगा, सेम रहेगा थ्रू आउट। सो यू विल ऑलवेज गेट अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ इन केस ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। ऑल्सो जो ग्राफ का स्केल है दैट यू कैन चूज अकॉर्डिंग टू योर वैल्यूज। नाउ सिंस वी नो कि डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है स्पीड, दैट मीन्स इस ग्राफ की हेल्प से आप स्पीड भी फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे? इस ग्राफ के स्लोप से। तो लेट्स अंडरस्टैंड हाउ कैन वी कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट विद द हेल्प ऑफ द स्लोप ऑफ द ग्राफ। तो देखिए, यहाँ आपकी बुक में आपको डिस्टेंस टाइम ग्राफ शो किया गया है उस ऑब्जेक्ट के लिए विच इज मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड। दैट मीन्स ये ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में मूव कर रहा है, उसकी स्पीड जो है वो कॉन्स्टेंट है। सो नाउ लेट मी मेक यू अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ दिस ग्राफ कि हम स्पीड कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए हम क्या करेंगे, हमने जो ऑब्जेक्ट की मोशन का डिस्टेंस टाइम ग्राफ ड्रॉ किया है उस पर हम एक छोटा सा पार्ट कंसीडर कर लेंगे, दैट इज ए बी। तो हम इन ए और बी पॉइंट्स को ग्राफ पर मार्क कर लेंगे। फिर हम क्या करेंगे, ए पॉइंट से वी विल ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड देन अनदर लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस। सिमिलरली हम पॉइंट बी से एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड अनदर पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो अब हम लेट कर लेते हैं, सपोज कर लेते हैं कि ये जो लाइन्स हमने ए और बी से ड्रॉ की हैं दे आर मीटिंग वाई एक्सिस एट एस वन एंड एस टू रिस्पेक्टिवली, एंड ऐसे ही दे आर मीटिंग एक्स एक्सिस एट टी वन एंड टी टू रिस्पेक्टिवली। तो S1 एंड S2 दे आर रिप्रेजेंटिंग द वैल्यू ऑफ डिस्टेंस एट दीज पॉइंट्स, और ऐसे ही जो T1 और T2 हैं दे आर रिप्रेजेंटिंग द वैल्यू ऑफ टाइम एट दीज पॉइंट्स। तो अब हमें फाइंड आउट करना है स्लोप AB, राइट? देखिए, स्लोप होता है y एक्सिस अपॉन x एक्सिस, एंड y एक्सिस पर हमने लिया है डिस्टेंस और x एक्सिस पर हमने लिया है टाइम,
एंड सिंस वी नो कि डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है स्पीड, दैट मीन्स ये जो स्लोप है दिस इज गोना गिव अस द वैल्यू ऑफ द स्पीड. अब इस ए बी के जो कॉरेस्पॉन्डिंग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की वैल्यूज हैं उन्हें फाइंड आउट करने के लिए वी हैव कंसीडर्ड अ ट्राइंगल हेयर, दैट इज ट्राइंगल ए बी सी. तो जो लाइन हमने ए पॉइंट से एक्स एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ की थी हमने जस्ट उसे एक्सटेंड किया है एंड वी हैव गॉट दिस पॉइंट सी. सो नाउ बी सी विल कॉरेस्पॉन्ड टू वाई एक्सिस, दैट इज डिस्टेंस, एंड ए सी विल कॉरेस्पॉन्ड टू एक्स एक्सिस, दैट इज टाइम. सो बी सी जो डिस्टेंस है दैट विल बी एस टू माइनस एस वन, और जो टाइम है ए सी दैट विल बी टी टू माइनस टी वन, एंड दिस वे वी हैव कैलकुलेटेड द स्पीड. And you can refer the speed as velocity अगर आपका जो distance है that is equal to the displacement, right? So now we have discussed the graph for the uniform motion. अब हम देखते हैं non-uniform motion का graph. तो यहाँ आपको एक table दी गई है 8.2. इसमें आपको एक car का time और distance दिया गया है. ये जो car है ये non-uniform motion में travel कर रहा है because it is covering unequal distance in equal intervals of time. So here is the distance time graph for a car moving with the non-uniform speed. मतलब ये non-uniform motion का graph है. तो ये graph हमने plot किया है with the help of table 8.2. And you can see ये जो graph है this is totally different from the graph जो हमने किया है for the uniform speed. तो uniform motion के केस में मतलब uniform speed के केस में आपको जो graph मिलता है that is a straight line graph, linear graph, और यहाँ पर जो आपको graph मिला है वो है non-linear graph. Now we will discuss about velocity time graphs in our next video. Thank you.